हाई एवरी वन वेलकम बैक अगेन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लासीफेशनफिकेशन सिस्टम की नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन की ट्रेडिशनल एंड लेटरल सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन एंड लास्ट वन इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन फिर हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे प्लान्ट के रिस्पेक्ट में ठीक है नोमेरिकल साइटोटेक्सोनॉमी और केमोटेक्सोनॉमी तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की आर्टिफिशियल है तो इसको हम बोलते हैं कि मोर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है मोर्फोलॉजी वो होती है जिसमें हम क्रैक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकें देख सकें फील कर सकें ठीक है ओब्जर्व जिसको कर सकें जैसे साइज हो गया हाइट हो गया कलर हो गया ठीक है तो यहाँ पे हम इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं ये लीनियस ने दिया था और यहाँ पे उन्होंने बेसिस क्या लिया था क्लासिफिकेशन का फ्लोरल क्रैक्टर्स फ्लोरल करेक्टर्स में स्टेमिन उन्होंने लिया था स्टेमिन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कार्पल क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उन्होंने देखा था फ्लार के अंदर कितने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कितने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या दोनों साथ में है या एक प्रेजेंट है ठीक है तो ये उन्होंने बेसिस लिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का उन्होंने प्लांट्स को ट्वेंटी थ्री क्लासेस में यहाँ पे क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल क्रैक्टर्स तो कुछ क्लासेस को हम डिस्कस करते हैं क्लास मोने यहाँ पे मोनेड्रिया है जिसमें सिंगल स्टेमिन प्रेजेंट है एग्जांपल है काना आइस फिर यहाँ पे आइकोसेंथिया जिसमें ट्वेंटी और मोर स्टेमिन प्रेजेंट थे वो इन इस क्लास में उन्होंने रखे थे फिर क्रिप्टोगेमिया जो क्रिप्टोगेमाई जो आजकल हम यूज़ करते हैं उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को उन्होंने रखा था जैसे एल्गी इसके अंदर कोई फ्लावर्स नहीं आता फंगस के अंदर नहीं आता लाइकिन के अंदर नहीं आता मोजिज एंड फंस के अंदर कोई फ्लावर्स नहीं आता तो इनको इन्होंने क्रिप्टोगेमस के अंदर रखा था डी क्या थी यहाँ पर उन्होंने प्लांट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप अगर है तो उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया यहाँ पे अनरिलेटेड फैमिलीज़ जो थी मोनोकोड्स की डाईकोड्स की उन्होंने उनको सेम क्लास में रख दिया जो कि यहाँ पे हमारी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक थी फिर आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल करैक्टर्स थे वो कंसिडर किए गए एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स को भी लिया गया और वेजिटेटिव करैक्टर्स को भी लिया गया तो फ्लोरल करेक्टर्स के साथ साथ उसकी हाइट कलर उसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है ठीक है ये सब भी कंसिडर किए गए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसके बाद आता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इचलर ने दिया था 1884 में उन्होंने प्लांट्स को दो किंगडम में सब किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया था ठीक है और इसी को आज हम फॉलो भी करते हैं जैसे क्रिप्टोगेमाई और फेनीरोमाई ठीक है क्रिप्टोगैमी वो जिसमें अनएक्सपोज रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं स्टेमिन और कार्पल जो हैं वो एक्सपोज नहीं हो रखे ठीक है जैसे थेलोफाइट्स थेलोफाइट्स में एलगी आती है ब्राउन एलगी ग्रीन एलगी रेड एलगी ब्रायोफाइटा जिसमें हमारी मोजेज एंड लीवर वोट्स आते हैं टाइडोफाइट जिसमें हमारी फर्नस आती हैं इनमें किसी में भी फ्लावर्स नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो ढके हुए हैं हमें एक्सपोज नहीं किए गए ठीक है फेनीरोमाई में क्या होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एक्सपोज हो रखे हों या जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हो इसीलिए इनको स्पर्मेटो बोला गया है और इसमें जिमनोसपम्प्स और एनजीओस आते हैं और एनजीओस को फर्दर मोनोकोट और डाइकोट में यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है अब हम बात करें ओविल की तो ओविल हमारा क्रिप्टोगेमी के अंदर अपसेंट होता है ओविल फॉर्म ही नहीं होता और यहाँ पे ओविल प्रेजेंट होता है फैनिरोगी में तो यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज हम फॉलो करते हैं इसीलिए इसको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं और ये किसने दिया इचुलर ने दिया नेक्स्ट हमारे पास क्या है लिटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये लिटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया ठीक है यहाँ पे उन्होंने सीड प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइटा को स्पर्मेटोफाइटा मतलब स्पर्म सॉरी सीड प्लांट्स उनको क्लासिफाई किया था और उन्होंने यहाँ पे एक बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटारम इनके तीन वॉल्यूम आए थे ठीक है वहाँ पे उन्होंने कौन से करेक्टर्स को बेस बनाया लेटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए कुछ मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वो करेक्टर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख सकते हैं फील कर सकते हैं टच कर सकते हैं प्लस इंटरनल करैक्टर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं एनाटॉमी अंदर क्या प्रेजेंट है ठीक है कैसा साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है कैसी भी बीमोर्फोलॉजी है क्रोमोजोम्स की ठीक है एम्ब्रियोलॉजी मतलब कैसे भाई जो सीड से एम्ब्रियो कैसे बनती है क्या क्या चेंजेस आते हैं फिर कैसे प्लांट ग्रो होता है फाइटोकेमिस्ट्री मतलब कि क्या क्या केमिकल प्रेजेंट है प्रोटीन अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड क्या है ये सब करेक्टर्स भी लिए प्लस मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स भी लिए फिर नेचुरल एफिनिटी भी ली नेचुरल इफिनिटी किस है कौन सा प्लांट किसका एंसेस्टर है क्या नहीं है ठीक है फिर नेक्स्ट आया हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जैसे एडोल्फ एंगलर जिसको हम मोर मतलब इंपॉर्टेंट मानते हैं कि भी इन साइंटिस्ट का तो रहा ही ठीक है ये इतने नहीं पूछे जाते ये साइंटिस्ट इतने नहीं पूछे जाते पर रडोल्फ एंगलर ने फाइलोजेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बट इसके साथ में कुछ और साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन रहा फाइलोजेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने में जैसे जॉन हटचिंगसन आर्मेन यहाँ पे टेक्टाजन और आर्थर क्रॉन क्यूस्ट रोल्फ डेलग्रेन एंड रॉबर्ट एफ थोन्स का यहाँ पे क्या रहा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वायलोजेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने में उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया था कि कौन सा प्लांट जैसे भाई हमारी एलगी सबसे पहले आई फिर ब्रायोफाइट्स आए फिर टेडोफाइड्स आए फिर हमारे जिमनोसपम्प्स फिर एनजियपम्प्स इस तरह से उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे स्टडी की फोशल रिकॉर्ड के बेसिस पे कि जो भी रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के फिर उनके बाद डाटा कार्बन डेटिंग करके पता लगाया कि कौन कितने साल पहले आया किस कौन फिर उसके बाद आया ठीक है इस तरह से रिलेशनशिप को उन्होंने यहाँ पे सेट किया और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया लास्ट है यहाँ पे हमारी टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी को तीन में क्लासिफाई किया प्लांट्स के केसेस में न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी साइटो और कीमो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी रोबर्ट आर सोकल ने दी और शीथ ने दी ठीक है यहाँ पे उन्होंने नंबर कोड्स असाइन कर दिए जितने भी करैक्टर्स थे करैक्टर्स जैसे भाई मान लो हाइट एक करैक्टर है या भाई हम बोल दो क्लोरोफिल एक करैक्टर है ठीक है उनको कुछ कोड दे दिए नंबर कोड दे दिए ताकि जब नोमिस्ट जो है वो नई स्पेसिस को आइडेंटिफाई करें या डिस्कवर करें तो वो उन नंबर कोड के बेसिस पे ये पता लगा सकें कि ये जो नया डिस्कवर्ड प्लांट है इसके करैक्टर्स किस कोड से जाके मैच होते हैं ताकि उनको क्लासिफिकेशन में या टेक्सोनोमी में हेल्प हो ठीक है साइटोटेक्सोनोमी यहाँ पे वेटेज दिया गया सेलुलर स्ट्रक्चर्स को जैसे भाई किसी के अंदर कैसा साइटोस्केलेटन है कितने सेल ऑर्गेनल्स हैं ठीक है फिर क्रोमोसोम्स का भी कंपैरिजन किया गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम्स का ठीक है पोजीशन क्या है सिंश्रोमर की ठीक है और बिहेवियर क्या शो करते हैं वो फिर केमोटेक्सोनोमी में मोट एक्सोनोमी में कंपेरेटिव एनालिसिस किया गया कंपाउंड्स कंपाउंड्स का का जैसे हर एक सेल की सेल सेल्वोल अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी होती है कोई सेलोज से कोई काइटिन से कोई पोलिसकोराइट से ठीक है उसका कंपेरिजन प्रोटीन का कंपेरिजन अब प्रोटीन किससे किससेसाइज होते हैं जीन जीन कोड करता है प्रोटीन्स को तो अभी जीन पे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ठीक है वो सब स्टडी की जाती है कि मोटेक्सोनोमी में प्लस न्यूक्लिक एसिड आर एन ए है डी एन ए है लीनियर है अमाइनो एसिड है, है तो कार्बन हाइड्रेट है क्या है क्या नहीं तो केमिकल स्टडी की गई केमोट में